सुना है कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो कैसे इसका सामना करेंगे आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना बहुत आसान है, जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने पहली लहर में दूसरी लहर में बताया कि केवल हमारी इम्यूनिटी इस लहर से हमें बचा सकती है और बचाया भी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रही है, जिन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के लिए काम करा था, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अब तीसरी लहर आ रही है, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है और आज से अभी से कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज करनी है। जैसे नहाते हुए अगर आप ये एक्सरसाइज कर लें जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो आपके खुद की इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट अप हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी है कि बाहर से किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की। कोई भी एंटर कर जाए, कोई भी अंदर आ जाए, तो आप उसे आसानी से लड़ सकते हैं केवल अपनी इम्यूनिटी के द्वारा। तो क्या करना है नहाते समय? नहाते समय सबसे पहले तो अच्छे से, जैसे आप पानी वगैरह डालते हैं, अच्छे से ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक सारे पैरों तक और पैर से नीचे ऊपर तक आपने अच्छे से मालिश करनी है, रगड़ना है। चाहे साबुन लगा के कर सकते हैं, चाहे बिना साबुन के कर सकते हैं। केवल नहाते समय ये काम करेंगे तो आपको दिन भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ नहीं करना है। भगवान ने ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है, केवल हम उस लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर दें, उस पर काम करें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई चूरन चटनी, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जब वो ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तब उसकी सिस्टम ये काम कर रहा होता है, उसी वजह से वो स्वस्थ है, नहीं तो वो भी बीमार है, नहीं तो बीमार हो जाएगा। तो कैसे करना? एक तो आपने ऊपर से लेकर सिर की अच्छे से मालिश करिए, गर्दन की मालिश करिए, हाथों की इस तरीके से मसाज करिए, साबुन लगा के करिए, इस तरीके से पूरा करिए, पीछे की तरफ इस तरीके से पूरा अच्छे से रगड़िए, पूरा इस तरीके से अच्छे से रगड़िए, पूरा अच्छे से रगड़िए, और पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी अच्छे से मसाज करिए, पूरी मालिश कर दीजिए, ताकि एक बार पूरा सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में घूम जाए। दूसरा एक और अभ्यास करना है, हमने लिम्फेटिक सिस्टम के उन पॉइंटों को स्टिमुलेट करना है जहां से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले ध्यान करिए काफ मसल्स, इन काफ मसल्स को हमने इस तरीके से 15-16 बार रगड़ रहे हैं, दोनों काफ मसल्स को रगड़ रहे हैं। क्योंकि कभी अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो आपके लेफ्ट काफ मसल्स में सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करना है। दूसरा, इसके बाद में हमारे ये जो एरिया है, ग्रोइन का एरिया बोलते हैं इसको, ग्रोइन का एरिया, यहां आप देखेंगे तो छोटे छोटे गांठें होती हैं, तो नहाते समय हल्के हल्के इनको इस तरीके से मसाज करनी है, 15-16 बार मसाज करनी है, 15-16 बार यहां कर दीजिए। इसके बाद ये हमारा लिवर का एरिया है, इसको रगड़ना है 15-16 बार इस तरीके से। इसके बाद में ये हमारा स्प्लीन का एरिया है, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, इस तरीके से रख दिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे अगर आप करेंगे तो। इसके बाद ये हमारा थाइमस का एरिया है, 15-16 बार रगड़ दीजिए। ये हमारा आर्मपिट का एरिया है, इसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, इसको अच्छे से रख दिए, अच्छे से रगड़िए, 15-16 बार करिए, और इसको भी 15-16 बार करिए, ठीक। इसके बाद में ये दोनों चेस्ट, चेस्ट के पास में दोनों हाथों से इस तरीके से मसाज करिए, 15-16 बार करिए। अगर एक एक करना है तो इस तरीके से एक एक बार करिए, मतलब एक एक चेस्ट पर भी कर सकते हैं, 15-16 बार यहां रगड़ा, 15-16 बार यहां रगड़ा, एक एक बार भी कर सकते हैं। ये यहां रगड़ने से आपके लंग्स स्टिमुलेट होंगे, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, और इतना करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। पहले अच्छे से पूरा मालिश, जैसे आप साबुन लगाते हैं, साबुन लगाकर अच्छे से पूरे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक
करिए। इसके बाद में उन पॉइंटों को ज्यादा फोकस करिए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो कौन से पॉइंट? पहले मैंने आपको बताया लेफ्ट काफ मसल घिसाइए, यानी कि इस तरीके से लेफ्ट काफ मसल्स को रगड़िए, राइट को करिए। इसके बाद हमारे लिम्फ नोड्स को रगड़िए 15-16 बार। इसके बाद हमारे लीवर के एरिया को रगड़िए, ये लीवर का एरिया है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसके बाद स्प्लीन को रगड़िए इस तरीके से, स्प्लीन के बाद में थाइमस को रगड़िए इस तरीके से 15-16 बार। थाइमस के बाद में चेस्ट को भी रगड़ सकते हैं, एक साथ रगड़ सकते हैं, नहीं तो एक एक करके रगड़िए 15-16 बार ये और 15-16 बार ये। चेस्ट हो जाएगा, फिर ये आर्म पिट के एरिया को रगड़िए 15-16 बार, ये करके रगड़िए 15-16 बार। तो 15-16 बार जब आप रगड़ेंगे, जैसे मुझे पसीना आ रहा है, ये तो मैंने अभी आपको केवल डेमो करके दिखा दूंगा, ऐसे ही आपके शरीर से पसीने आने शुरू हो जाएंगे, आपके स्किन से जो आपके क्षेत्र हैं वो खुल जाएंगे और टॉक्सिन्स निकलेंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी से ये करना शुरू कर देंगे, आप तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाएंगे। आप ना केवल कोरोना की लहर के लिए, आप बदलते मौसम में जो बीमारियां आती हैं उनके लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये काम कर लिया। लास्ट में आपने एक काम और करना है, जब आप नहा लेंगे तो हम तौलिए से तो पहुंचते हैं, तौलिए को इस तरीके से पकड़कर पूरे अच्छे से नीचे से मसाज करनी है, नीचे से ऊपर करनी है, पूरी स्पाइन की मसाज करनी है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये अच्छे से मसाज करनी है। इतना काम आप कर लेंगे तो ये आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा। हम नहाते भी इसीलिए हैं ताकि शरीर की गंदगी बाहर निकले। तो गंदगी तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए केवल आप नहाते समय 5-7 मिनट का समय बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम 5-7 मिनट में सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। और ये केवल 5-7 मिनट में आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दवा दारू किसी भी कोई जरूरत नहीं है, कोई हमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना, एक रुपए भी खर्चा नहीं करना। आप खुद अपने लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये बड़ी रिसर्च है कि केवल कोरोना की तीसरी लहर या कितनी भी लहर आ जाए, आपकी इम्यूनिटी ही उससे आपको बचा सकती है। दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती, केवल आपको कोरोना से आपकी इम्यूनिटी पावर आपको बचा सकती है, उससे आपको वापस ला सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगी अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी प्रोसेस कर 5-7 मिनट डेली शरीर पर खर्च करिए और 5-7 मिनट में आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो, जो जानकारी मैंने दी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, उनको भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ना केवल सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि इस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम डेली कुछ ना कुछ एक नया आपको सिखाते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी तरीके से हम कैसे छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा, तो बेल बटन दबाना ना भूलिए। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।